मध्य प्रदेश के पन्ना में पड़ोसी गांव के सरपंच और दो शिक्षकों की दबंगाई का मामला सामने आया। दरअसल दबंगों ने महिला के घर की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया, साथ ही महिला और परिजनों के साथ मारपीट की। बता दें कि सरपंच गांव के दो दर्जन से अधिक लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर पहुंचा, वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। आज सवेरे करीब 9 बजे एक जो भोंद की चक्की में रुक्मणी प्रजापति रहती हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि जो खोरा के नवनिर्वाचित सरपंच शिवकांत लोधी, ये करीब 2 ट्रैक्टरों में करीब 30-40 लोग भर कर आए और उसके बाउंड्री वाल गिरा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। जो सूचना पाते ही तत्काल ही मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया था और मैंने जब वहाँ देखा तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग शोरगुल कर रहे थे। तब मेरे द्वारा उस फरियादिया जो थी रुक्मणी प्रजापति, उसके परिवार को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। शिवकांत खोरा का सरपंच, वर्तमान सरपंच, और चंद्रशेखर उसका भाई जो सरकारी टीचर है, वो लोग 50-60 लोग ट्रैक्टर में 2 ट्रैक्टर भर करके इधर आए और मकान का जो कार्य चल रहा था उस मकान को गिरवाया गया उनके द्वारा और मारपीट की गई और गाली गलौज देते रहे।